बढ़ेंगे। पिंड दादन खान अल्ला ताजी रोड पर दोराया सड़क का कोई पुरसान हाल नहीं। बारिश के बाद सड़क से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो चुका। मुतादिद गाड़ियां कीचड़ में फंस कर रह जाती हैं। आबिद कुरैशी हमें रिपोर्ट करेंगे। पिंड दादन खान ता जहलम डुअल कैरेज वे की हालत इजहार। मानसून शुरू होते ही सड़क दलदल में तब्दील हो गई। डुअल कैरेज वे की बदतरीन हालत के बायस पिंड दादन खान से मुल्क भर में नमक, सोडा, सीमेंट, कोयला और जिप्सम की तहसील मुअत्तल होकर रह गई। नमक कान की सैर के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद का सिलसिला रुक गया है। 5 लाख की आबादी वाली तहसील पिंड दादन खान की रिहायशियों को मुश्किल का भी सामना है। हम मजदूर तबका लोग हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, यहाँ पे रक्शे वाले, ये गाड़ियों वाले, ट्रकों वाले हैं, तो रास्ता ही एक हमारा जरिया रोजगार था, वो भी खत्म हो गया। ये फंड्स की अदम फरामी के बाइस इसकी तामीर जो 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ से जो हॉस्पिटल से मरीज रेफर किए जाते हैं वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। जलालपुर शरीफ पिंड सैदपुर के इलाकों से गुजरना महाल हो चुका। दो रोया सड़क पिछले 4 सालों से जेर तामीर है, जो ताहाल मुकम्मल न हो सकी। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस दो रोया सड़क की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। 128 किलोमीटर तवील सड़क को खुदाई करके छोड़ दिया गया है। हम इस सड़क से बहुत परेशान हैं, लिहाजा पिंड दादन खान के जिला जेलम की तहसील की सारी सड़कें खराब हैं। हमारे इलाके की जो लिल्ला जेलम ड्यूबल कैरेज वे है, तबाह और बर्बाद पहले ही थी, अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, मुसाफिर मरीज रिलो ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि डुअल कैरेज वे की तामीर के लिए कई बार एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल भी की, लेकिन हुकूमत ने इस तरफ अभी तक तवज्जो नहीं दी। हुकूमत से मुतालबा है कि वो सड़क को हंगामी बुनियादों पर बहाल करे। कैमरा टीम के साथ आबिद कुरैशी, नाचटी न्यूज, पिंड दादन खान।